हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती पर निकली रैली, जगह जगह स्वागत, बरसाए फूल, बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने का दिया संदेश। बाड़मेर संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती गुरुवार को विभिन्न संगठनों द्वारा जिला स्तर पर मनाई गई। गुरुवार सवेरे 8 बजे भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए गए। अंबेडकर सर्कल से रैली निकाली गई, शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंची। इस दौरान रैली का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राहुल बबानिया ने बताया कि गुरुवार को भीमराव अंबेडकर जयंती पर सर्कल पर जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी दीपक भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल, दलित नेता उदाराम मेघवाल, बीजेपी एसपी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा सहित दलित नेताओं ने माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति किए कार्यों को याद किया गया। इसके बाद अंबेडकर सर्कल से जन जागरण रैली निकाली गई। रैली को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जिला कलेक्टर एवं एसपी सहित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता सहित दलित नेता व संगठन के लोग मौजूद रहे। रैली चौहटन चौराहा, दाणी बाजार, गांधी चौक, स्टेशन रोड, अहिंसा सर्कल, किसान बोर्डिंग होते हुए टाउन हॉल पहुंचने के साथ रैली का समापन हुआ। रैली में बच्चों के साथ साथ युवा नाचते झूमते नजर आए। रैली में युवा महिलाएं वो युवतियां हाथ में नीले रंग का दुपट्टा पहने हुए थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब ने जिस उद्देश्य से संविधान बनाया था उस संविधान का सब लोग पालन करें। कलेक्टर ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब के आदर्श को सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। एसपी दीपक भार्गव ने कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने अकेले असहाय निर्धन दलित लोगों के लिए इतना काम किया है, इससे सभी लोग बराबरी में आ सकें। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि मेरे सब लोगों में अपेक्षा रहेगी कि अंबेडकर साहब ने जो सिद्धांत व रास्ता बताया है उसी सिद्धांतों पर सभी को चलना चाहिए। इन्होंने केवल दलित समाज के लिए नहीं हिंदुस्तान में एक एक वर्ग के लिए काम किया है। बाबा साहेब के जीवनी के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, उनके आदर्श व सिद्धांतों का सबसे अनुसरण करना चाहिए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी इन्होंने ये कहा कि आप खुद यहाँ आए हैं, माल्यार्पण किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? बाबा साहब संविधान निर्माता तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन ही हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक होता है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के जीवन को अगर हम इस दिन अगर धारण करें तो मैं सोचता हूँ कि जीवन जयंती मनाना के रूप में 36 करोड़ के लोग इस जयंती को मना रहे हैं, तो ये बाबा साहब का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है और हम उनके जीवन से शिक्षा लें और अपने जीवन को आगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुरराम मेघवाल की रिपोर्ट।